मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अक्षय आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, रमेश मेंदोला उनके साथ मौजूद थे। नामांकन के बाद कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई है और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें रमेश मेंदोला को आप देख सकते हैं, इसमें अक्षय कांति बम है और ये तस्वीर जो कैलाश विजयवर्गीय के साथ सामने आई है उसको खुद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, जिसमें गाड़ी में रमेश मेंदोला के साथ अक्षय कांति बम जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और अब कैलाश विजयवर्गीय लिख रहे हैं कि बीजेपी में अक्षय का स्वागत है। और अक्षय बम के नाम वापस लेने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बम फूटने शुरू हो गए हैं। एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के किसी नेता से फोन पर बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? पांच पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा, पैसे पैसे की बात मत करो। आम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। और इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नाम वापस लेने पर कांग्रेस जहां इसे घटिया राजनीति बता रही है, वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि मालवांचल अब कांग्रेस मुक्त हो गया है। प्रत्याशी चयन में कोई चूक नहीं हुई, पूरा प्रत्याशी सोच समझ के दिया गया। उसके बाद जो दबाव की राजनीति बनी इंदौर में, जिस तरह के नेता इंदौर में है, कैलाश विजयवर्गीय, मेंदोला, आप तो जानते हैं ना कि उनसे इस तरह की, उनसे कोई अच्छी राजनीति की तो उम्मीद की नहीं जाती। और उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, उनका रिकॉर्ड क्या है और किस तरह की चाल चलन और राजनीति है उनकी। इंदौर जो कि होम टर्फ है, होम कॉन्स्टिट्युएंसी है जीतू पटवारी की, वहां उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी चुनाव का पर्चा भरने की, क्योंकि वो जानते थे कि वहां भाजपा इतनी स्ट्रांग है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो उन्होंने अक्षय कांति बम को आगे कर दिया कि तुम मरो, तुम अपनी बदनामी कराओ, तुम चुनाव हारो, तुम अपनी जमानत जब्त कराओ। तो उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। अब देखिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और इंदौर वासियों को तो मैं बधाई देता हूं कि मालवा अंचल में सबसे पहले आप लोग कांग्रेस मुक्त हुए हो, बहुत बहुत बधाई। और आइए अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया, अक्षय कांति बम, वहीं दूसरी तरफ सूरत में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था तो बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूरत की, जहां पर बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए और इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने मैदान ही छोड़ दिया। किस तरह से कांग्रेस को झटका लगा है इंदौर की सीट पर, यह हम आपको बताते हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था और पर्चा वापस लेने पर विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, कांग्रेस प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया, अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत कर दिया है। किसने? कैलाश विजयवर्गीय ने। इंदौर के बड़े नेता हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और रमेश मेंदोला उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। तो यह स्थिति बनी, आज जीत का दौर, पहले सूरत अब इंदौर। इंदौर में क्या हुआ, अक्षय कांति बम ये प्रत्याशी कांग्रेस के थे, बीजेपी में शामिल होने की तरफ आगे बढ़ गए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया और सूरत में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। Z News.